हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हियर साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक इन क्लास 6। इन अर्लियर क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट टू चैप्टर, दैट इज फूड एंड वेयर डस वी गेट इट and second components of food, and today we will move to the fiber to fabric। okay, आज हम क्या बात करेंगे? fiber to fabric के बारे में। अभी हम लोग कैसा जो है रेशा तैयार करते हैं, सुनिए ना हमको। First of all we have to know what is fiber। हमें ये देखना होता है क्या fiber क्या है। So look on the here blackboard, the tiny thin strand is called fiber। The tiny thin strand, thin strand, strand is धागे। तो आप लोग देखते होंगे घर पे क्या है, मम्मी वो सुई में क्या है, धागे डाल देना, वो धागे क्या है आपका एक थिन स्टैंड है, पतला सा क्या धागा होता है, दैट इज कॉल्ड फाइबर, दैट इज कॉल्ड फाइबर। एंड इट इज रोल्ड, वो क्या होता है, रोल्ड होता है, मतलब घुमावदार होता है। सो सिमिलर वे फाइबर इज ए थिन स्टैंड, एंड whenever when we roll the fibers we get the thread। हम लोग जो फाइबर्स को लगा करके है रोलिंग करेंगे, रोलिंग करते जाएंगे हमको क्या प्राप्त होगा, थ्रेड प्राप्त होगा। थ्रेड मीन्स आपने देखा होगा वो धागे का जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। सिमिलर वे whenever threads combines in many way that forms a yarn। जब क्या है बहुत सारे थ्रेड वो नाइटिंग करते हैं, उसका वेविंग करते हैं, वो क्या बनाता है, यार्न बनाता है। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक। फाइबर्स क्या है, दो तरीके होते हैं। एक तो जो है प्राकृतिक होता है, दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें क्या है नेचर से मिलता हो। एंड सेकेंड इज प्रिपेयर्ड इन लैब, दैट इज कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक। सेकेंड क्या है, जो लैब बनता हो जिसे बोलते हैं मैन मेड या सिंथेटिक। सो वी हैव टू क्लास बोथ टाइप क्लासिफिकेशन। नाउ नेचुरल फाइबर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज फ्रॉम द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फ्रॉम वेयर डस इट गेट। ओके, हमें वो कहां से मिलता है, ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाइड द फाइबर इनटू टू मेन कैटेगरीज। नेचुरल फाइबर इनटू टू मेन कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज एनिमल, दैट इज एनिमल फाइबर, एंड सेकंड वन इज प्लांट फाइबर। ओके, सो मेनी फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स एंड आल्सो एज वेल एज फ्रॉम प्लांट। नाउ वी विल लुक व्हाट आर द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो हमको क्या है एनिमल्स से मिलते हो, जानवर से मिलते हो। सो हियर वूल एंड सिल्क, दिस आर द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ओके, वूल, वूल इज टाइप ऑफ फाइबर्स दैट इज यूज्ड टू नाइटिंग स्वेटर्स, वेविंग क्लॉथ। हम लोग क्या है स्वेटर बुनने में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े सिलने में इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स लाइक गोट, जॉग। ओके, सिप, सिप इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ उल। ओके, गोट, अंगूरा गोट। सो एंड सिल्क वी गेट फ्रॉम द सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म इज टाइप ऑफ एनिमल्स दैट फीड ऑन मलबेरी प्लांट्स। लेटर आई विल टेल द होल साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म एंड हाउ वी गेट द सिल्क फ्रॉम द सिल्कवॉर्म। ओके, आगे हम बात करेंगे जो है कैसे सिल्कवॉर्म से जो है सिल्क प्राप्त करते हैं। सिमिलर वे नेक्स्ट ईयर प्लांट वी गेट फाइबर्स लाइक जूट, हमको क्या मिलता है, जूट मिलता है। सो मेनी रैग्स आर मेड फ्रॉम जूट्स, जो बोड़े होते हैं वो क्या किससे बनते हैं, जूट से बनते हैं। कॉटन दैट इज कॉल्ड कपास, दैट ऑल्सो गेट फ्रॉम प्लांट फाइबर। नाउ हैम्प, हैम्प मीन्स एनेंदी सनई, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट। फर्स्टली द फार्मर्स ग्रो द हैम्प्स इन द फील्ड एंड लेटर दे कलेक्ट एंड मेक बंडल। ओके, एंड जस्ट डिप इनटू द पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज टू गेट द रोटेन। वो क्या करते हैं, गट्ठर बना करके सनई का उसको ले आकर क्या करते हैं किसी पानी के स्रोत में डुबोते हैं ताकि वो अच्छे से सड़ जाए और वहां से क्या है
वो हम की प्राप्ति करते हैं। सिमिलर वे सिंथेटिक फाइबर्स इट्स कॉल्ड मैनमेड फाइबर्स, दिस फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब, ये कहां बनता है, लेबोरेटरी बनता है, लैब में बनता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिएस्टर या टेरिलिन, टेरिकॉट, टेरिकॉट इज मिक्सचर ऑफ टेरिलिन प्लस कॉटन, टेरिलिन प्लस कॉटन, नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, ओके, दिस आर द सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन लैब एंड यूज्ड इन मार्केटिंग पर्पस। नाउ हाउ we get the cloth from thin strand of fiber to cloth, हमें क्या है एक fiber से, that means fiber to fabric, whole process fiber to fabric, fabric means a type of cloth that is formed from fiber। हम ये चर्चा करेंगे कैसे एक धागे से हमें क्या है कपड़े का निर्माण करते हैं, ये और प्रोसेस कैसे करते हैं। So look here everyone, steps involved in converting fiber to fabric, that is cloth। So it involves 5 or 6 steps. Here first one is tearing, second one is scouring, okay, tearing means काटना, छाटना निकालना, scouring, next is sorting, that means छटाई करना उसका, dyeing, coloring करना, rolling, whatever the fibers that we get we have to roll it, and similar way next one is whenever the cloth is ready just we have to market the goods to the nearby market to sell it, okay। Now we next to the so students, now we talk about the what are the steps to make the fiber into yarn, how fiber changes into yarn, हम ये बात करेंगे कैसे जो है फाइबर जो पतला से धागा होता है वो बड़े जो है कपड़े का रूप कैसे लेता है इसको हम देखेंगे। So what are the steps to change the yarn, this fiber into yarn, look on that, first of all the shearing means katna, so what is shearing, removal of hair, of silk fleece hair from uppermost part of the body of silk, body of silk, that is animals from where we get, okay। So removal of hair of silk is called shearing। So whenever you go to a barber to cut your hair, okay, जब भी आप किसी मतलब बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं अपने बाल जो है कटवाने के लिए, तो आप देखते होंगे वो क्या करता है, बहुत ही सरलता से कैंची की सहायता से वो क्या करता है, बाल को काटता है। सिमिलर वे if we have to obtain the wool we have to shear the uppermost part of the skin of sheep, jo bhed hote hain unke kya upari kavach, jo kavach hota hai, layer hota hai skin ka, upar ke baal hote hain usko kya hai ek vishesh prakar ke kaichi ki sahayata se alag karte hain, this process called shearing, kya kehlayega shearing kehlayega, okay। Second one is called scouring, so it is the washing of sheared skin into tank to remove dust and other particles, what is greasy particles, हम लोग क्या करेंगे जो ऊन प्राप्त हुआ है वो तो क्या है प्योर नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे उसमें बहुत सारे डस्ट है और बहुत सारे क्या ग्रीस वगैरह पार्टिकल्स हैं, इसलिए क्या करेंगे उसको हम वॉश करेंगे, धोएंगे उसको, कैसे धोएंगे इस टैंक ओवर हम क्या करेंगे अच्छे से धोएंगे। So washing of sheared skin into tank to remove dust is called scouring. Scouring is a process to wash the sheared skin. जो भी क्या हम लोग shearing करने के बाद जो wool प्राप्त होता है उसको क्या धोएंगे। Second, third one is called sorting. Sorting means just separation, sort out, अलग अलग करना, छटाई। तो separation of good, quality of wool. So whatever the wool that we get from scouring, it contains good wool as well as bad wool. So we have to select the best quality of wool to get the best price. Okay. Now we have to separate the good quality of wool. So separation of good quality of wool is called sorting. जो अच्छे प्रकार के wool है, ऊन है, उनको क्या करेंगे? हम लोग sort out करेंगे. और जो मतलब थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है, थोड़ा सा उचित नहीं है, उसको क्या निकालूंगा। एंड आफ्टर दैट फोर्थ प्रोसेस इज कॉल्ड गैनिंग, क्या कहलाता है
गैंड निकल आता है. कॉम्बिंग टू स्टेन द फाइबर, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग द फाइबर, एक विशेष प्रकार के. जैसे आपको क्या है, आप बाल जो है झाड़ते हैं, इस पर कॉम्बिंग करते हैं. सिमिलर वे फाइबर ऑल्सो नीड टू बी कॉम्बिंग. जो फाइबर होता है उसको क्या कॉम्बिंग की आवश्यकता पड़ती है. कॉम्बिंग से क्या होता है, फाइबर जो है थोड़ा सीधे होते हैं, जो थोड़े से टेढ़े होते हैं वो क्या करेंगे, कॉम्बिंग करने से वो स्ट्रेटन हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे. एंड दैट प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग इज कॉल्ड गाइनिंग. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डाइंग. सो कलरिंग द गुड क्वालिटी ऑफ वूल इज कॉल्ड डाइंग विद द चॉइस कलर. जो भी मैं क्या पसंदीदा कलर है, आप देखते हैं कि बाजार में जो है ठंडियों में ऊन जो मिलता है वो अलग अलग किस्म किस्म के क्या है कलर वगैरह होते हैं. सो दैट इज ड्यू टू द डाइंग प्रोसेस. वी कलर द फाइबर विद हेल्प ऑफ डिफरेंट चॉइस कलर. ओके, चॉइस कलर. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रोलिंग. रोलिंग मीन्स लपेटना. द प्रोसेस ऑफ रैपिंग द फाइबर थ्रेड इज कॉल्ड रोलिंग. जो फाइबर थ्रेड है उसको क्या है रैप करना, उन्हें क्या करते हैं रोलिंग करते हैं. एंड आफ्टर द रोलिंग द नेक्स्ट प्रोसेस कॉल्ड मार्केटिंग. सो व्हाट एवर द फाइबर्स रेडी वी नीड टू मार्केट इट टू गेट द प्राइस. हियर मार्केट इज नीडेड जस्ट आफ्टर द ऑल प्रोसेस ऑफ सेलिंग टू द रोलिंग. सेलिंग से लेकर क्या है रोलिंग तक जो और प्रोसेस बाद होने के बाद हमको क्या उसको आवश्यकता होती है मार्केटिंग करने की. हम लोग क्या बाजार में जो है बेचते हैं. नाउ द थिंग्स व्हाट एवर द मार्केट गोज इन टू द कंपनी इन फॉर्म ऑफ यार्न. ये फाइबर इज कन्वर्टिंग इनटू यार्न. ओके, द होल प्रोसेस फ्रॉम सेलिंग टू दिस रोलिंग द फाइबर इज कन्वर्टेड फ्रॉम फाइबर टू यार्न. नाउ यार्न इज कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ बाय द हेल्प ऑफ सो मेनी डिफरेंट कंपनीज दैट आर मेकिंग द क्लॉथ. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सिक्स स्टेप्स टू मेक द फाइबर इनटू फैब्रिक. फर्स्ट वन इज शेयरिंग, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ स्किन ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, जस्ट लाइक द बार्बर कट्स योर हेयर. नेक्स्ट वन इज स्कौरिंग, दैट मीन्स वॉशिंग द वूल इनटू द टैन टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कौरिंग. ओके, जो गंदे पार्टिकल्स हैं, जो गंदे के अंदर उसमें मिले हुए हैं उनको क्या अलग करना है, धोना ही क्या कराता है, स्कौरिंग कराता है. नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग, सेपरेशन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वूल फ्रॉम द बैड क्वालिटी इज कॉल्ड सॉर्टिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज गाइनिंग, दैट मीन्स कॉम्बिंग. आप क्या करेंगे उसको कॉम्बिंग करेंगे, जस्ट कॉम्बिंग इज कॉल्ड गाइनिंग. टू मेक द फाइबर स्ट्रेटेंड, दैट मीन्स उसको क्या है सीधे करेंगे. फाइबर्स जस्ट रोल डाउन, वो क्या थोड़ा सा सिकुड़े होते हैं और उसको लगाकर हमको क्या है कॉम्बिंग करने का सकता है. कॉम्बिंग करने से जो फाइबर होते हैं वो सीधे हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज डाइंग, टू गिव द चॉइस कलर टू योर वूल. अपने ऊन को क्या पसंदीदा रंग का करने के लिए हम लोग प्रोसेस क्या बोलते हैं डाइंग. आफ्टर दैट हियर रोलिंग, दैट मीन्स टू रोल डाउन इनटू कलेक्टिव फॉर्म्स इज कॉल्ड रैपिंग द फाइबर थ्रेड इज कॉल्ड रोलिंग. नेक्स्ट वन, व्हेन द फाइबर इज रेडी इट नीड्स टू बी मार्केटिंग इन द फॉर्म ऑफ यार्न. जब फाइबर तैयार हो गया तो यार्न के रूप में क्या इसको मार्केटिंग करते हैं. सो लर्न द ऑल स्टेप्स, दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स. लर्न द स्टेप फ्रॉम शेयरिंग टू दिस मार्केटिंग, हाउ द फाइबर चेंज इनटू फैब्रिक. ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सिल्क एंड द लाइफ प्रोसेस ऑफ सिल्क वॉर्म, हाउ सिल्क वॉर्म gives out cocoons and caterpillar gives out cocoon and cocoons gives the filament that is called silk. Okay, so in the next lecture we will discuss about the life cycle of silkworm. Okay, read the chapter. Have a nice day.